अगर मैं तुमसे पूछूं who's the biggest con man, the best con man of the world, तुम लोग क्या बोलो? ना ना एक मिनट, तुम बोल नहीं सकते, बट आई नो तुम क्या बोलोगे। तुम लोग नाम फ्रैंक अबू अगली हैं, जिसके ऊपर मूवी बनी थी कैच मी इफ यू कैन स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड अपना टॉम हैंक्स। एक नंबर मूवी, नहीं देखी तो जाके देखना भी, एक नंबर। या फिर तुम नाम दोगे अपना वो सेकंड फेमस विक्टर लस्टिंग का। एक लस्टिंग कैसा नाम होता है यार। अरे मान लिया दुनिया ठहरी है, बट ऐसा भी क्या कि दुनिया को साबित करने में लग गए तुम, देखो मेरी ठरक चल रही है। ये सब मोहमाया है, सब झूठा है। ये दोनों में से कोई भी स्टैंड नहीं करता जहाँ पे इंडिया की बात आती है, क्योंकि वर्ल्ड वाले जो है ना, ये दुनियादारी जो है, इंडिया को सीरियसली लेते नहीं। बट यू डोंट बिलीव मी, पहला प्लेन इंडिया में उड़ाया था हमसे आइडिया कॉपी के साले ब्रिटिश वालों ने, उसका कॉपी करके फेल दिया और अपने नाम पे ले लिया कि हमने उड़ा। पहली प्लास्टिक सर्जरी किसने करी? हमने। जाक भी नहीं कर रहा, बट लिटरली तुम गूगल करोगे ना फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी, वो तुम्हें 90s बताएंगे। बट एक्चुअली फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी हुई थी इंडिया में 600 BC में, समझ रहे हो? उनको भी पता था क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए 600 के बाद BC है, एंड यू नो व्हाट BC स्टैंड्स फॉर। बट इनको भी क्या ब्लेम करे, अपने इंडिया वाले भी कम थोड़ी है। अरे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके 67 दिन बाद ना इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी आ चुका था, बट इंडियन गवर्नमेंट लग गई पीछे, सोसाइटी लग गई पीछे, ना सभ्यता संस्कृति मार दो। मतलब बंदा इतना परेशान हो गया कि सुसाइड करना पड़ गया था उसको। उस पे एक मूवी भी बनी है, एक डॉक्टर की मौत जैसे उसकी सुसाइड थी वैसे ये मूवी थी। किसी ने नहीं देखा। 20 साल तक उस बंदे को क्रेडिट नहीं मिला, 20 साल बाद एक दूसरे बंदे को, मतलब 20 साल लगे एक दूसरे बंदे को जो चीज उसने ढूंढ ली थी वो चीज वापस ढूंढ के पब्लिक में लाने के लिए। Why are we still here? आज एक ऐसे ही बंदे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बेडेस्ट वन मैन एवर, द लेजेंड, द मिथ, हिस्ट्री ना टूअरलार। आई नो एक बंदा होगा जो इस बात का भी ऑफेंड होगा, ये इतने बड़े बड़े लोगों का नाम एक चोर के साथ लेता है साले। भाई चोरी ना एक आर्ट है, एक कला है, तो इस बंदे ने किया ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इज अ लेजेंड मदरफकर। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। Amazing Indian History Part 1। आज मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नटवर लाल की। तो जब तुमने अमिताभ बच्चन को ये गाते हुए सुना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, वो एक्टिंग कर रहा था, बट एक्चुअली मिस्टर नटवर लाल है। ये बंदा इतना फेमस है, इस पे दो मूवी बनी हुई है बॉलीवुड में, एक मिस्टर नटवर लाल जो मैंने कभी नहीं देखी, दूसरी राजा नटवर लाल जिसे देखने के बाद मैं अभी भी सोच रहा हूँ मैंने क्यों देखी। Okay, जो लोग फ्रैंक अबू अगले हैं को नहीं जानते ना, ये बंदा बहुत यंग था, 15 से 21 साल तक ही 6 साल इसका स्टेंट था, जिसमें ये बंदा नकली चेक बना के कैश निकाल लेता था, कुछ भी करता था। डॉक्टर बन के हॉस्पिटल चला गया नाइट ड्यूटी पे, 8-9 महीने डॉक्टर बना रह गया। अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है ना, ये बंदा पायलट असिस्टेंट बन के एक टाइम ऐसा भी आया कि इसने प्लेन उड़ाया हुआ है, और ऐसा वैसा नहीं जिसमें एक दो बंदे हैं, अबे इकोनॉमी प्लेन जिसमें तुम जैसे मेरे जैसे लोग रहते हैं, और सब कुछ फेक, कुछ रियल नहीं था, और लोग इसे लेजेंड कहते हैं। चूतिया, अपने वाले के सामने कुछ नहीं है। दूसरा बंदा है विक्टर लस्टिंग। ठरकी है तुम्हें पता है, बट ठरकी नहीं है, दिमाग वाला बंदा है। विक्टर लस्टिंग ने 2 बार एफिल टावर बेच दिया था, बट जब मैं अपने नटवर लाल की बात करता हूँ ना, ये दोनों कुछ नहीं, चाय कम पानी है बे। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। तो नटवर लाल का असली नाम है मिथिलेश कुमार, जो है बिहार सिवान से, और आज भी उसके गांव में लोग उसे रॉबिन हुड कहते हैं। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे, क्योंकि उनका मानना है आज तक मिथिलेश ने कुछ गलत नहीं किया, वो अमीरों के साथ करता था, और ऐसा नहीं वो अपने लिए करता था, वो लूट के हमें भी देता था, जो पूरे गांव को जेल भेजो साले गांव वाले। अगर अभी गांव वालों को पैसे नहीं मिले होते ना, ये भी चोर चोर कर रहे होते। इतने करोड़ इतने लाखों करोड़ की चोरी करी है नटवर लाल ने, अगर उसका 2% भी मुझे देगा ना, मैं खुद बोलेगा ले झंड ले झंड। तुम सोच रहे हो एक वकील, ये तुम्हें आइडिया लगाना पड़ेगा उस टाइम पे कितने बुरे हालात रहे होंगे कि एक पढ़ा लिखा वकील कॉन मैन बन जाता है। और पिछले तीन दिन से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ होगा वो सीधा लॉयर से कॉन मैन बन गया। ये मेरी थ्योरी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा सही गया 100% एक्यूरेट है, बट कहानी ऐसी जाती है जितने अवेलेबल है। नटवर लाल अपने गाँव में वकीली का काम करता था, लोगों का बैंक में डिपॉजिट
ड्राफ्ट करना और वहां से पैसा उठा के ला के देना, इतना तक अवेलेबल है। बट एक दिन सहाय करके कोई बंदा था जिसने उसे ड्राफ्ट दिया कि जाके बैंक में जमा करना, पैसे निकालना और मेरे को ला के दे। सब कुछ सही था, वो बंदा बैंक गया, बैंक में कुछ हुआ होगा सीन कि सर यहाँ पे साइन अवेलेबल नहीं। अभी तुम्हें पता है कि पुराने टाइम में ना ऐसा नहीं हर गली के बाहर एटीएम और बैंक मिल जाते थे, तुम्हें बहुत दूर चलना पड़ता था। नटवरलाल जी गए होंगे अपना बैंक में, बट कर्मचारी ने बोला सर साइन मिसिंग है, सर साइन मिसिंग है सर। इतना कौन ट्रैवल करेगा वापस जाके सहाय के साइन ले, वापस आए और जाके डिपॉजिट करे कैश ले। बंदा गेट के बाहर गया होगा, दो घंटा चिल मारा होगा, प्रैक्टिस करी होगी सिग्नेचर की, डिट्टो सिग्नेचर कॉपी छाप दिया होगा। और ये चीज तो तुम भी रिलेट कर सकते हो, जिंदगी में ऐसे पल होते हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज नहीं हो पाएगी, बट सडनली तुमसे हो जाता, फिर तुम हो जाते हो। तेरे भाई में भी दम है, तेरा भाई कितना कम है। भाई ने सिग्नेचर छापे होंगे सहाय के, वो जाके बैंक में दिए होंगे और बैंक वालों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। भाई बैंक से निकला होगा और तुम्हें क्या लगता है उसके दिमाग में क्या आया होगा, तेरे भाई में भी दम है, तेरा भाई कितना कम है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है ना मैं मजाक कर रहा है, एक तुम्हें वो दिन याद है स्कूल का जब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ था कि तुम अपने रिपोर्ट कार्ड पे अपने माँ बाप के सिग्नेचर छाप सकते हो। दिल से बताना, सही में दिल से बताना, जब तुमने पहली बार सिग्नेचर छापा था तुम्हारे दिल से आवाज आई थी कि नहीं आई थी, तेरे भाई में भी दम है। नटवरलाल ने पैसे निकाल के दे दिए होंगे सहाय को, बट उसके बाद भाई को पता है कि वो सिग्नेचर मार सकता है, तो भाई पहले छोटे छोटे अमाउंट का निकाल रहा होगा। हमारे बैंक से इतना पैसा काट लेते हैं बैंक वाले, तुम्हें पता तक नहीं चलता क्योंकि छोटा अमाउंट हो, उस टाइम में भी नहीं पता चला होगा। बट एक बार भाई लिमिट चेक करने के चक्कर में भाई ने 1000 रुपए निकाल लिए, 30-40 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे एक्चुअली पैसे चलते थे। मैं ogyani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहली बार प्लग कर एडजस्ट करोगे, बट जब भाई ने 1000 रुपए निकाले होंगे और सहाय को पता चलो बेटे मेरा भरोसा तोड़ दिया तूने मेरी बंदी की तरह, बंदा पुलिस लेके पहुंच गया होगा उसके घर पे कि भाई नटवरलाल ने मेरे पैसे चुराए। और जैसे ही नटवरलाल को ये बात पता चली भाई भाग गया कोलकाता, और कोलकाता जाके ऐसा नहीं भाई अभी बिगिनर लेवल का चूर है, भाई के अभी दिमाग में नहीं था कि प्रोफेशनली करना है थे, तो भाई ने वहाँ पे जाके कॉमर्स स्कूल में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट की जॉब भी करने लगे। अभी एक बात बताओ, एक सिंपल साइंस से तुम्हें 1000 रुपए मिल गए, स्टॉक मार्केट में 9 घंटे घिस घिस के भी तुम्हें 1000 रुपए नहीं बन रहे, तुम क्या करोगे? भाई सा भी नहीं हुआ, भाई बैक टू मार्केट। मतलब भाई का स्वैग लेवल इतना था ना, इतना कॉन्फिडेंस और इतना बड़ा क्रिएटिव ऑन आर्टिस्ट, भाई उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के दुकानों पर जाता था, कहता था कि भाई ये जो घड़ी है ना हमारी बॉस की पार्टी है तो उनको चाहिए, जो पार्लियामेंट में, तो मुझे ऐसी 100 घड़ियां चाहिए। दुकानदार उसको टाइम देता था कि सर आके ले लेंगे, सर आप 2-3 दिन बाद कोई नहीं ला देंगे 100 ऑर्डर। 2-3 दिन बाद जब वो बंदा वापस आता था ना गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के, बड़ी सी गाड़ी विद अ ड्राइवर, वो ड्राइव नहीं करता था, लेवल समझ रहे हो स्वैग का, उससे माल उठाता था और कहता था कि उसे मेरे साथ चलना होगा ऑफिस, ऑफिस में मैं पेमेंट कर देता है। और ऐसा नहीं वो ऑफिस लेके नहीं जाता था, वो गाड़ी में बंदा बिठाता था, ऑफिस तक लेके जाता था और उसे ड्राफ्ट देता था कि जाओ कैश करा लेना, बट वो ड्राफ्ट कभी कैश नहीं होता था। कोलकाता में उसने पार्ट टाइम में एक और बिजनेस शुरू किया, इट्स कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट पॉइजनिंग। आई नो गलत साउंड हो रहा है बट नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है। बंदा कोठे पे जाता था, बंदी को दारू पिलाता था, काम करता था, जैसी बंदी सोती थी उसका सारा सामान उठा के वहां से भाग जाता था। आई नो आई एडमायर हिम अ लॉट, बट ये चीप है भाई, अबे ये कौन करता है यार, सीरियसली ब्रो। बट ये ज्यादा दिन चला भी नहीं भाई का, क्योंकि इससे पहले वो इस फील्ड में नाम बना पाता, एक दूसरी प्रोस्टिट्यूट ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और भाई को जेल हो गई, तो भाई दिल्ली आ गया। इसके बाद शुरू हुआ असली नटवरलाल वाला का। बट सवाल ये उठता है कि नटवरलाल नाम कैसे पड़ा। 40s में भाई ने एक नया दिमाग लगाया, नया प्लान, क्योंकि लोगों को पता चल रहा था यार घड़ियां ज्वेलरी लूट रहा है ऐसे ये गवर्नमेंट ऑफिसर बन के, ना 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 गलत बात नहीं देंगे हम किसी को पैसा और ड्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो भाई ने नया दिमाग लगाया, भाई ने एक बंदा उठाया टेक्सटाइल कमीशन बॉम्बे से, अपने आप को परचेज ऑफिसर बताते हुए वो लोगों के पास जाते थे जिनका माल लटका हुआ है, उनको प्रॉमिस करते थे कि वो उनका माल दूसरे स्टेट से उनके स्टेट ला देंगे और पैसा एडवांस, और ऐसा नहीं पैसा लेने के बाद वो उनको सर्टिफिकेट नहीं देते कि हाँ तुम्हारा माल रिलीज हो गया इस स्टेशन से इतने बजे जाके उठा लेना, वो उनको रिलीज सर्टिफिकेट भी देते थे बट रिलीज सर्टिफिकेट उनकी तरह नकली होते थे। तो भाई के साथ जो दूसरा बंदा था ना उस बंदे का नाम नटवरलाल था। तो जब ये बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की तो मिथिलेश तो पकड़ा गया बट जो साथ वाला गुजराती बंदा उन्होंने रखा था ना वो भाग गया और तब से मिथिलेश सरजी का नाम नटवरलाल पड़ गया। अगर तुम्हें ये भी गम लग रहा ना भाई ने टाटा बिरला धीरूभाई अंबानी तक से पैसे लूटे हुए हैं, और अगर तुम्हें ये भी गम लग रहा ना भाई ने राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके नकली सिग्नेचर मार के भी लोगों को लूटा हुआ है। ये बंदे ने मिलके ताजमहल को 3 बार भेज दिया अंग्रेजों को, 2 बार लाल किला भेज दिया,
राष्ट्रपति भवन बेच दिया। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है ना, ये पूरा केक तैयार हो चुका है। अब इस पे चेरी के लिए भाई ने पूरा पार्लियामेंट भेज दिया उसमें बैठे आदमियों के साथ। मतलब तुम सोच रहे हो अन्ना हजारे और केजरीवाल जो कर रहे थे ना कि सारे बिक चुके अरे सही कह रहे थे, बिक चुके हैं। और जितना भी पैसा बनाता था ना भाई, ऐसा नहीं अपने ऊपर लौटाता था, क्योंकि भाई का दिल बड़ा लग गया। जब भी कोई बड़ा हाथ मारता था ना भाई, भाई उससे लेता था महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगा परफ्यूम और जाता था बिहार अपने गांव। एक ही परफ्यूम 100 मीटर दूर से सुंघाई देती थी, इतना महंगा परफ्यूम। और ऐसा नहीं सिर्फ दिखावे के लिए, जब जब वो गांव जाता था वो हर गांव वाले को 100 रुपए दे। समझ रहे, ये रॉबिन हुड तो नाम के लिए फेमस है, असली रॉबिन हुड यही है, नटवर जी हमारे। पुलिस ने बहुत बार पकड़ा इनको। अबे कानपुर की जेल में थे ये, मांडोली करके पुलिस वाले से कि तुझको पैसा देंगे। मैं अपने साथी को बोला कि पुलिस की सब इंस्पेक्टर ड्रेस लेके आ और ब्रीफकेस लेके आ। वो ब्रीफकेस पुलिस वाले को देके सब इंस्पेक्टर का कॉस्ट्यूम पहन के वो वहां से निकल। बट गेस करो ब्रीफकेस में क्या था? पैसे। तुम्हें लगता है जो दूसरों को लूटता है दूसरे को पैसे देंगे? घंटा न्यूज़पेपर भरा था ब्रीफकेस में। तो अगर तुम अभी मूवी में देखते हो ना कि किडनैपर बंदे को रिलीज करने से पहले पैसा क्यों चेक करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अभी रिसेंटली 84 साल का बंदा था जब आखिरी बार पकड़ में आया वो, अब उसकी तबीयत खराब है, प्लस बूढ़ा है, तो समझ में आता तबीयत खराब हो सकती है। तो उसको दिल्ली एम्स लेके आ रहे थे, और जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचाना तो कांस्टेबल पेपर वर्क पूरा करने गए। एक बंदे को खड़ा किया जो झाड़ू मारने वाला था कि तू उस पे नजर रख, हम लोग 2 मिनट में आ रहे हैं। भाई साहब ने बोला झाड़ू मारने वाले को, यार चाय तो पिला दे, यार भूखा है, यार चाय तो पिला दे। वो झाड़ू मारने वाला चाय लेने के लिए गया है, बंदा गायब। 1996 की बात है और 1996 से उसकी कोई खबर नहीं। तुम भाई का लेजेंड और स्वैग समझ रहे हो? इंडिया में 100 से ऊपर केस चल रहे थे 8 डिफरेंट सिटीज में। 113 साल की सजा हो रखी थी। मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी भी क्रिमिनल को 113 साल की सजा हुई आज तक। बट इससे पहले कि मैं ये वीडियो खत्म करूँ ना, मेरा सवाल तुम लोगों से, तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग था, फ्रैंक अब्बा अगली है या लूकस ठरकी वाला लस्टिंग या अपने नटवर लाल जी? कमेंट करो और मुझे बताओ। और इसी नोट पे यानी डू वॉइड होगा ये एपिसोड, यही खत्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने इंजॉय किया, कुछ नया ट्राई किया इस चैनल पे, तो कमेंट करो, मुझे बताओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा या नहीं होगा वो तुम्हारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो कमेंट करो और मुझे बताओ। मैं अभी यही लगा, अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए पीस आउट। You gon' be when the world gets fried. Listen to your friend, it's the voice inside. If you lose me, where the hell you gon' go? Take somebody's life, who the hell gon' know? Who you gon' be when the world gets fried? Listen to your friend, it's the voice inside. चुड़ाए हैं? क्योंकि हम बिहार में चुड़ाए हैं। ये गाड़ मार लेंगे तुझे।